इंडियन क्रिकेट टीम में लंबे समय से स्विंग गेंदबाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लंबे समय से एक अच्छे गेंदबाज की टीम इंडिया को तलाश है और टीम इंडिया के पास एक ऐसा बॉलर है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही कमाल कर दिया था, लेकिन फिर भी 2 साल हो गए इस खिलाड़ी को टीम इंडिया के सेलेक्टर्स मानो भूल ही गए हों। ये खतरनाक तेज गेंदबाज 2 साल पहले तक भारत की वनडे और T20 टीम का अहम हिस्सा था, लेकिन अब ये खिलाड़ी टीम इंडिया में जगह पाने के लिए तरस रहा है। टीम इंडिया के स्विंग किंग रहे तेज गेंदबाज खलील अहमद करीब 2 साल से टीम इंडिया से बाहर हैं। सेलेक्टर्स ने इन्हें दूध में मक्खी की तरह टीम इंडिया से बाहर निकाल कर फेंक दिया है। खलील अहमद आखिरी बार साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे। इस सीरीज के बाद खलील अहमद को सेलेक्टर्स ने पूछा तक नहीं। इस शानदार खिलाड़ी ने भारत के लिए 14 T20 इंटरनेशनल मैच और 11 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। खलील ने T20 इंटरनेशनल में 13 विकेट और वनडे इंटरनेशनल में 15 विकेट झटके हैं। इस गेंदबाज को IPL में शानदार प्रदर्शन करने के कारण साल 2018 में पहली बार टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला था। IPL में भी खलील का जलवा रहा है और 24 मैचों में 32 विकेट अपने नाम करने में ये खिलाड़ी सफल रहा है। इतना बेहतरीन खिलाड़ी होने के बावजूद भी इस खिलाड़ी को सेलेक्टर्स लगातार 2 साल से नज़रअंदाज कर रहे हैं। टीम इंडिया में एक तेज गेंदबाज की लंबे समय से तलाश भी है, लेकिन फिर भी ये खिलाड़ी टीम में जगह नहीं बना पा रहा है। इसका कारण क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर आप इस खिलाड़ी को फिर से टीम इंडिया में वापस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में खलील अहमद को सपोर्ट करने के लिए कमेंट जरूर करें।